What is up guys, कैसे हो आप लोग? So today is a Sunday. आज मैंने decide किया है कि I'll be traveling towards मनाली. Last video में भी मेरा plan था मनाली side जाने का, but वो traffic के कारण थोड़ा सा postpone करना पड़ा. But जो main two lane highway था हमारा कुल्लू से मनाली के बीच में जाने वाला, उसी के through जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा है वो open हो चुका है. Open in the sense, partially open मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी जगह पर road बिल्कुल ख़त्म है और ऑलमोस्ट रिवर बेड के लेवल पे आ चुकी है. सो आफ्टर 25 डेज हाउ डज द होल कुल्लू मनाली हाईवे लुक्स लाइक, दैट इज़ व्हाट आई विल बी शोइंग यू इन डिटेल टुडे. काफ़ी सारी जगहों पे ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. एंड ये वीडियो बनाने का एक मोटिव है कि जो लोग अभी घर में बैठे बैठे थोड़ा एडवेंचरस फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार सब ठीक हो गया, चलो मनाली, भीड़ फिर से लगा दो पहाड़ों में, एक बार ये वीडियो देख लेना आने से पहले, आपको समझ में आ जाएगा इस सिचुएशन आने लायक है कि नहीं. बाइक जैसा मैं आप लोगों को कह रहा था है काफ़ी गंदी, एंड इसको साफ़ करने का आज कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आज जो गंद मचने वाला है वो होने वाला है नेक्स्ट लेवल. टाइगर को करते हैं स्टार्ट. गुड मॉर्निंग. और आज मैं राइड करने वाला हूँ शक्ति के साथ, वो एक्सपल्स चलाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से मामला ख़राब होना शुरू होता है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द कुल्लू नागर मनाली रोड, नॉट टेकन द मेन हाईवे कुल्लू मनाली हाईवे. सो इधर से हम नीचे जाएंगे, ये रायसन वाला एरिया है. ओके भाई निकल जा. ये है रायसन का नया वाला ब्रिज. पहले चलते मनाली, जाते मनाली से वापस. हाँ तो बनाते हैं, चलो चलो चलो, चलो धूप लग रही, गर्मी लग रही है. सो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे एक बस स्टॉप बन चुका है, क्योंकि यहाँ से हमारा ये जो फोर लेन वाला एरिया है पूरा टूट के तहस नहस है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे बस स्टॉप बना दिया. और ये सारी वॉल्वो बस आपको मनाली में खड़ी हुई मिलती थी सारी, आपको अब यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होती हैं, मनाली से तो आई नहीं सकती ना इधर. तो अभी ये सीन है, बस स्टॉप शिफ्ट हो गया ऑलमोस्ट रायसन में. ये इन्होंने फर्स्ट बनाया है डिटोर थोड़ा इधर उधर से निकलने का. ये देखो आप सीन, यहाँ जो पूरा हाईवे था क्योंकि वो टूट गया है तो ये रोड ऑलमोस्ट रिवर के लेवल पे आ चुकी है. आप समझ रहे हो ना, ये डिस्टेंस देखो, हाइट देखो इस रोड की. ये अभी बनाया है पिछले 20 दिनों में, 10 जुलाई को ये हुआ था, 10-11 जुलाई को, आज है 6 अगस्त. सो 25 दिनों में ये हुआ है सीन. पानी का फ्लो देखो कितना अच्छा खासा फ्लो है अभी, ऑब्वियसली मानसून सीज़न है तो फ्लो तो है ही. इस एरिया पे रोड ठीक है तो इधर खींचेंगे. पत्थरों का साइज़ देखो क्या गिर रहा है यार ऊपर से, मोटे मोटे भाई, ख़त्म हो जाए बिल्कुल, अगर गाड़ी तक ख़त्म हो जाए. ये बोलते हुए मुझे था ऐसे हंसी सी आ रही है, बट मतलब सीरियसनेस समझो आप बात की, ऐसा हंसी इस बात पे आ रही है कि हमारी औकात ही नहीं है नेचर के सामने. कुछ जो हम सोचते हैं ना भाई, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी ऐसे वैसे शू शा, एक झटका मारता है नेचर और सब वापस. इन एरियाज में तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, बट यही 2-3 किलोमीटर का बीच में स्ट्रेच आता है जो ठीक है, उसके बाद आता है फिर मैसिव प्रूफ ऑफ द पावर ऑफ नेचर, फिर से आने वाला है एक. ये नदी कहाँ तक आ गई है यार, फुल ऑन डिसेंड है यहाँ पे, धीरे धीरे निकालना पड़ेगा. तो ऑफ रोडिंग करने के लिए अब आपको मनाली के आगे जाने की जरूरत नहीं है, मनाली पहुँचना भी एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस हो चुका है. ये देखो भाई लोग ट्रेल राइडिंग कर रहे हैं साइकिल पे, वाह 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 वाह. बट ये सारे देखो टूटी हुई दीवारें आपको दिख रही हैं राइट में, सब टूट फूट चुका है ये. थोड़ा सा चढ़ाई पे कैप रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो यार कहीं भी बीच में चढ़ाई के रुक जाएगी, बाइक रोकना मुश्किल पड़ जाता है और फिर मोमेंटम गेन करना एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है. ये है हमारे शक्ति भाई साहब एक्सपल्स पे उड़ते हुए. तो ये सारा वन वे हुआ हुआ है, ये छोटा सा पार्ट जो ब्रोकन पार्ट है, एंड इसके कारण ही यहाँ मैसिव ट्रैफिक जैम्स लगने का पोटेंशियल है अगर टूरिस्ट वापस आ गए तो. इसलिए मैं कह रहा हूँ सोच समझ के आना, क्योंकि बाइक तो अपनी जगह फिर भी कोने से निकाल लेगी, पर गाड़ियों को एक साइड का ट्रैफिक निकलेगा फिर दूसरे साइड का ट्रैफिक आएगा, ये सब झेलना पड़ेगा. ऐसे 5-6 पॉइंट हैं बिटवीन रायसन एंड मनाली, उस वाले रूट पे जो रिवर के राइट साइड पे पड़ता है अगर हम इधर से बात करें, उधर इतना ज़्यादा ट्रक्स एंड बसेस चल रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार चलाते समय.
क्यारियां बन गई हैं लेफ्ट में, क्या है ये? ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे फिर हुआ पड़ा है पंगा। जेसीबी वालों की तो ऐश हो गई, खुदाई उदाई करे जाएंगे अब ये। स्लोली स्लोली निकालो, देख रहे हो डैमेज नीचे। ये मतलब सोचा भी नहीं जा रहा ना कि पूरी पूरी रोड कैसे फट के अलग हो सकती है। एंड ये देखो गाड़ियों का जैम कैसे लग रहा है। ये हालत अभी है जब टूरिस्ट है ही नहीं, सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट एचपी की हैं। पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे ये देखने के लिए कि लोग जैम ना लगा दें। ये देखो जो मैं कह रहा था ना कि रोड बिल्कुल रिवर बेड के लेवल पे आ गई है। जैसे हम लोग कैंपिंग लोकेशंस पे जाते हैं ना जहाँ पे नदी बह रही होती है और उसी के साइड में पत्थर है, वहीं पे कैंप लगाते हैं रात को, नदी किनारे सोते हैं। ये हालत हो गई है यहाँ पे कुल्लू और मनाली के बीच वाले हाईवे की। रोड का लेवल कहीं ऊपर था लेफ्ट में, मतलब इमेजिन करना मुश्किल है कितनी ज़्यादा रोड काट दी है नदी ने। ये देखो ये कट्स की बात कर रहा हूँ, रोड वहाँ से पूरी आ रही है, एकदम से आधी हो गई। ये है डेंजरस पार्ट, कहने को रोड खुली है बट रात को बंदा स्पीड पे आ रहा हो जो इस एरिया से ज़्यादा वाकिफ नहीं होगा वो तो मुश्किल है भाई। ये देखो फिर से ये वाला पूरा सेक्शन कटा हुआ है एंड बीच में कितने ज़्यादा पेड़ हैं, ये सारे नदी तोड़ के लाई है। ये एक और एरिया है भाई, कितने सारे स्पॉट्स हैं। थोड़ा सा गैप रख के चलाऊँगा, लिटरली वाटर क्रॉसिंग्स बन गई हैं यार, और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो ऐसा लग रहा है कहीं सचपास वगैरह के रास्ते में जा रहे हैं। काफी स्लिपरी सिचुएशन है यहाँ पे एंड ये पुलिस वाले ना हो ना तो लिटरली बैंड बज जाए भाई। गाड़ियों ने तो ऐसे ही जाम लगाना है। तो गाइस इस जगह से अगर आप देखो आपको दिखेगा नदी कितनी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है। ब्यास नदी के बारे में मैं ना पिछले 3-4 महीने में ऐसा सोच रहा था यार ये कितनी पतली सी नदी रह गई है, पानी है नहीं, लगता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये नदी ख़त्म हो जाएगी भाई। पर जो सीन हुआ है ना 10 जुलाई के आसपास, इतना फ्लडिंग सिचुएशन हुई है, इस नदी ने क्लियरली बता दिया। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं 7, 8, 10, 20 सालों तक बहुत शांति से पतली सी एक स्ट्रीम की तरह बह सकती हूँ, बट जब मेरा दिल करेगा, जब नेचर का दिल करेगा तो मैं ये ऐसा वाला रूप लूँगी कि रोड्स की ऐसी की तैसी कर दूँगी। यही हुआ है यहाँ पे, हम लोगों ने नेचर की ऐसी की तैसी करने की कोशिश करी और यहाँ पे नेचर ने लिया बदला। कुल्लू और मनाली के बीच का जो हाईवे है वो आ चुका है नदी के लेवल पे। देखो नदी कैसे बह रही है, कोई इमेजिन भी कर सकता था कि ये कुल्लू मनाली हाईवे ऐसा लगेगा कभी? नोबडी कैन। पानी ऐसा लग रहा है अगर हल्का सा फ्लो भरा सीधे ये जो रोड बनाई है इसको भी ख़त्म कर देगा, नदी और पानी के बीच में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। लॉरी वॉरी वालों को क्या रोक दो बीच में। चलो इस पत्थर का साइज देखो गाइस, ये जो आपके राइट में पड़ा है ये जब गिरा होगा तो क्या हुआ होगा और कैसा फील हुआ होगा यहाँ पे रहने वाले लोगों को, हम ना वीडियोस देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते एक्चुअली में कैसा फील हुआ होगा यहाँ पे जो लोग रहते होंगे। सो ये जो हम लोग बनाते हैं ना रिवर साइड व्यू, रिवर साइड कैफेज, रिवर साइड ये, रिवर साइड वो एक्चुअली रिवर साइड ही नहीं होता, वो होता है रिवर पे। एंड इस बार रिवर वो ले गए सारा अपने साथ। हम अपनी औकात से आगे बढ़ते हैं और जो नेचर है हमें अपनी औकात देर से याद दिलाता है, 15-20-25 साल बाद दिलाएगा, बट ऐसी दिलाएगा कि भाई, बट ऐसे दिलाता है कि लोगों को अच्छी खासी वार्निंग मिल जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की मेमोरी है बड़ी शॉर्ट, हम बुरी से बुरी चीज़ भी देखने के बाद भूल जाते हैं।
अभी इसको बनाने में देखो ये जो हालत है, मुझे तो लग रहा है लिटरली मैं किसी लद्दाख वाले एरिया में चला रहा हूँ। श्योक नदी के साइड में जो रोड होती थी ना, उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। ये कितना टाइम लगेगा, 5-6 साल 7 साल, बट हम लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है ना कि हम 5-6 साल में ये सब भूल जाएंगे और फिर से इन्हीं जगहों पे फिर से बनाएंगे न्यू एज कंस्ट्रक्शन, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स, स्पा विद सोना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज। भाई वो तो छोड़ो, हम लोगों ने मनाली में भी, हमें रिक्वायरमेंट है एक बढ़िया सा नाइट क्लब बनाने की। अगर आप रिसेंटली मनाली आए हो तो आपने देखे होंगे बिलबोर्ड्स, द फर्स्ट एंड द ओनली नाइट क्लब इन मनाली। बना लो भाई, कर लो मुजरे जितने करने हैं। एक बार ये जो सीन देखा है ना, इसके बारे में सोच लेना फिर से ये सब कुछ बनाने से पहले। ये एक और पॉइंट आ गया, ये आ गया है हमारा आलू ग्राउंड, जो ग्रीन टैक्स बैरियर। इसका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। लोगों ने गुजार दिया है फोर्स गुरखा भाई। ये देखो, ये पड़ी है आपकी जेन, कौन सी वाली आती थी, छोटी वाली, मुझे नहीं पता, पर्पल कहाँ पिसी पड़ी है यार रेलिंग के नीचे। लेफ्ट में है आपका ग्रीन टैक्स बैरियर भाई, चिथड़े उड़ गए हैं इस जगह के, इससे बेटर मेरे पास वर्ड है नहीं। नदी वहां से निकलती थी, यहां से निकल आई है पूरी, अलग से अपना रूट बना के। ग्रीन टैक्स बैरियर पूरा उखड़ चुका है, और ये जो पत्थर है भाई, यहां पे होती थी पूरी प्रॉपर बढ़िया टर्मैक, सू 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 करके निकलते थे लोग, और पत्थर देखो कितने आए हुए इस जगह पे। कोई सोच भी सकता था इधर से नदी निकल जाएगी, अनइमेजिनेबल। ये खड़ी है एक वॉल्वो बस, हिमगिरी ट्रैवल विद द स्टार भाई, रेस्ट इन पीस हो गया इस बस का। राइट में देखो आपको वो जो दिख रहा है ना पार्ट, जहाँ पे गेट बने हुए, पिलर्स बने हुए हैं, वो है एक्चुअल हाइट रोड की। एंड कितना काट दिया, ऑलमोस्ट 10 फीट काट दिया, 10 फीट नीचे आ गए हैं जहाँ पे हम अभी बाइक चला रहे हैं, और रोड का लेवल ऊपर है 10 फीट ऊपर। लेफ्ट में एक और गाड़ी जो कहाँ और कैसे ऊपर की तरफ कैसे पहुँच गई, क्या है क्या ये पार्ट, समझ ही नहीं आ रहा। ग्रीन टैक्स बैरियर की रेलिंग्स हैं, व्हाट इज दिस। राइट साइड पे अगेन जस्ट टू मच स्टोन्स, टू मच ऑफ दिस बिग रॉक्स, ह्यूज रॉक्स। आई थिंक ये सारा, आई डोंट नो क्या है ये, फाउंडेशन था क्या इस रोड का। ओ भाई बुरी हालत है यार, बुरी हालत। ओ भाई क्या हालत है यहाँ पे, इस जगह को आई थिंक मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एविडेंट है कितना ज़्यादा चौड़ी हुई है नदी। आई थिंक ये हमारा डिवाइडर था रोड का, जहाँ से हम आते थे, इधर आधी रोड पूरी और होती थी, और उधर पानी होता था लास्ट वाले सेक्शन में, जो पेड़ दिख रहे हैं जस्ट उसके पहले। सब जगह से पूरे मोटे मोटे ये जो पत्थर आए हैं, ये अभी आए हैं, और इतनी मोटी मोटी चट्टान, वो देखो वहाँ चट्टान पड़ी है। पूरा क्रॉस करके निकली है ग्रीन टैक्स बैरियर वाले एरिया को, पूरा क्रॉस करके निकली है नदी यहाँ पे। सो ये होता है जब एक ट्रक फंसता है पानी के फ्लो में, बाढ़ वाले पानी के फ्लो में। देख रहे हो सारे पॉलीथीन वगैरह कहाँ घुसे हैं इसमें, ये ट्रक के अंदर तो थे नहीं ऑब्वियसली, जो हम लोग कचरा मचाते हैं नदियों में, वो सारा कचरा पूरा का पूरा फिल्टर हो गया है इन ट्रक्स और बसेस, जिन जिन पर ये आपको कचरा लगा हुआ दिखेगा, प्लास्टिक मिट्टी, ये सब पानी के फ्लो में फंसे थे और अब बाहर आए हैं। हमारा ही बनाया हुआ सामान नेचर ने हमारे अगेंस्ट ही छन्नी की तरह यूज़ किया है साफ करने के लिए अपने पानी को।